दोस्तों, ये बात भले ही बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन कुछ साल पहले तक मोतीलाल वोरा कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। ठीक है, अध्यक्ष ना सही, कार्यकारी अध्यक्ष ही सही, लेकिन गांधी परिवार के अलावा इससे पहले भी कोई कांग्रेस का अध्यक्ष बन चुका है। इलेक्शन खत्म हुए थे, कांग्रेस हारी थी और राहुल गांधी तुरंत ही बैंकॉक रवाना हो गए, जिस पर इनसे एक सवाल किया गया और ये बंदा शर्मा कर झेप कर रह गया था। राहुल जी कहाँ चले गए आप लोग? कहाँ दिया? कहाँ पर? राहुल जी बैंकॉक चले गए। बात करता आप ये राहुल गांधी को लेकर पूछा जाने वाला ये सवाल तब से लेकर आज तक कांग्रेस पार्टी का पीछा नहीं छोड़ता। हर एक इलेक्शन के बाद राहुल गांधी जाने कहां गुम हो जाते हैं कि लोगों को यकीन हो ही जाता है कि ये बंदा फिर से बैंकॉक रवाना हो गया। हमारे आज के डिबेट में भी कुछ यही हुआ था। आज के डिबेट में हालांकि राहुल गांधी को बैंकॉक जाने के लिए ब्लेम नहीं किया गया था, सिर्फ बैंकॉक की बात आई थी और कांग्रेस का प्रवक्ता तिल मिला गया था, भड़क गया था। बैंकॉक कहां से आ गया? अनुराग मुस्कान जी, अभद्र टिप्पणी का मैं विरोध करता हूं। एक मिनट, किसके लिए कहा गया? बैंकॉक जाना अभद्र कैसे हो गया, मुझे ये समझाइए। बैंकॉक में क्या होता है सर? बैंकॉक जाना अभद्र क्यों हो गया? गजब है यार, बैंकॉक जाने में अभद्र क्या हो गया? बैंकॉक की बात सुनकर कांग्रेस पार्टी का ये प्रवक्ता इस तरह से तिल मिला गया था कि शहजाद पूनावाला और एंकर अपनी हंसी ही नहीं रोक पा रहे थे। ये लोग लगातार उसकी टांग खींचे जा रहे थे और ये बंदा लगातार अपनी टांग खिंचाया जा रहा था, ये बंदा लगातार अपनी बेइज्जती कराया जा रहा था। बाकी क्या कुछ हुआ हमारे आज के डिबेट में, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आलोक शर्मा जी का रुख करता हूं। भाई आलोक शर्मा जी, सबसे ज्यादा विरोध की आवाजें कांग्रेस से उठ रही हैं प्रधानमंत्री की साधना को लेकर के। इस साधना में गड़बड़ी नजर आ रही है। उदित राज ने तो यहां तक कह दिया कि भाई साधु संत अकेले जाते थे, तो प्रधानमंत्री कौन सा कुनबा लेकर जा रहे हैं? और दूसरी बात ये, उन्होंने कहा कि साधना में गरिमा नहीं है। अब साधना में गरिमा नहीं है का क्या मतलब है, ये भी बताइएगा। और दिक्कत क्या है साधना से? 2014 में साधना कर चुके हैं वो, 2019 में साधना कर चुके हैं, तब आप लोगों ने सवाल नहीं उठाया, अब सवाल क्यों उठा रहे हैं? क्या आपको लगता है कि साधना का उन्हें फल मिल रहा है? 2014 में भी मिला, 19 में भी मिला, और अब इसी बात का आपको डर हो कि 2024 में भी ये फल ना मिल जाए, 400 पार ना हो जाए, इसीलिए आपको आपत्ति हो रही है उस पर? सवाल तो जेन्युइन उन्हें। देखिए, मुझे लगता है अनुराग भाई, आज आपके साथ बहुत लंबे समय के बाद बहुत अच्छा लग रहा है कि डिबेट कर रहे हैं। जी मुझे भी नमस्कार कहना चाहूंगा आपको। जी दूसरी बात यह है कि जो सवाल आपने दो तीन उठाए कि 14 में क्यों नहीं किया, 19 में क्यों नहीं किया, तब भी सवाल उठाए गए थे। और ये पहली बार नहीं है कि राजनीतिक नौटंकी पहली बार हो रही है। ये कोई साधना नहीं है, ये शूटिंग है। और देश की जनता साधना और शूटिंग में फर्क समझ गई है कि आप जनता को गुमराह करने के तो आलोक जी जनता को खारिज करने देते ना इसे। चुनाव प्रचार, आप साधना को नौटंकी बताकर आपको नहीं लग रहा फिर सनातन पर हमले के दोषी बनने की कोशिश कर रहे हैं? मतलब फिर बीजेपी को लगेगा कि आप साधना को नौटंकी बता रहे हैं तो आप सनातन पर हमला कर रहे हैं, हिंदू धर्म पर हमला कर रहे हैं, यही तो तीर है उनके पास। अनुराग जी मैंने कहा राजनीतिक नौटंकी है, मैं अपने शब्दों पर खड़ा उतरा। अच्छा ठीक, और मैं अपनी बात पर कायम हूँ, पूरी तरह से राजनीतिक नौटंकी है, उसके अलावा कुछ नहीं। जो व्यक्ति ध्यान और साधना करता हो वो 24 घंटे झूठ नहीं बोलता है। जो व्यक्ति ध्यान और साधना करता हो वो देश के अंदर नफरत और द्वेष नहीं फैलाता है। केदारनाथ गए हों, चाहे वो पशुपतिनाथ गए हों, महाराष्ट्र गए हों, कहीं भी गए हों, तब भी सवाल उठे थे कि आप प्रत्यक्ष रूप से अब अगर प्रचार नहीं कर सकते हो तो आपने एक दूसरा रास्ता ढूंढ लिया है। आलोक जी आरोप लगा रहे हैं शहजाद पूनावाला कि ये राजनीतिक नौटंकी है, इन्हें साधना में राजनीतिक नौटंकी नजर आ रही है। अनुराग जी, मोदी जी करे तो करे क्या, मोदी जी बोले तब इनको समस्या, मोदी जी मौन व्रत रखे और तपस्या करे तब इनको समस्या, और मोदी मेडिटेशन करे कांग्रेस को फ्रस्ट्रेशन आए, और फ्रस्ट्रेशन भी ऐसा कि सनातन समाप्त, राम मंदिर बेकार, राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा आरएसएस बीजेपी एवं राम जी का अस्तित्व नहीं, कहते कहते अब कोई हिंदू सनातनी अपनी साधना करने जाए तो उस पर भी कांग्रेस प्रतिबंध लगाना चाहती है। मतलब कांग्रेस पार्टी को हो क्या चुका है? क्या विवेकानंद जी की रॉक मेमोरियल पर जाना क्या ये राजनीतिक इवेंट है? क्या प्रचार प्रसार हो रहा है? क्या वोट मांगने जा रहे हैं? या वहां पर अनुराग जी के मुंह में दही जम तो एक सेकंड में बीच में हर दो सेंटेंस के बाद अनुराग जी टोक रहे हैं। नहीं बोला, नहीं दुर्भाग्यपूर्ण है अनुराग जी, और इसीलिए हम आप लोगों को गोदी मीडिया कहते हैं। आप इतने देर बोलते रहे, मैंने तो आपको भी नहीं टोका। आप हर दो सेंटेंस के बाद आपने बीच में टोका। अरे नहीं सर, आप ये दुर्भाग्यपूर्ण है, आपको इतने गंभीर विषय पर भी आपको टोका नहीं। आपने मुझे बीजेपी का प्रवक्ता बताया तो आपत्ति दर्ज कराई थी, क्या वो भी नहीं कराऊंगा सर? नहीं, मैंने कहा कि आप गलत इल्जाम की सुनूंगा आपसे।
और सुनिए आलोक शर्मा जी, क्योंकि आपने चार बार धोखा मैंने पांचवीं बार आलोक शर्मा जी सुनिए मेरी बात। और अगर आपको मीडिया ने राहुल गांधी की मटन पार्टी भी दिखाई है, मीडिया ने राहुल गांधी की मटन पार्टी भी दिखाई है, मटन खाने के बजाय वो मंदिर जाते तो वो भी मीडिया दिखाता। शहजाद पूनावाला को बात पूरी कर लेने देते हैं, आलोक जी आप काफी देर बोल लिए हैं। शहजाद पूनावाला प्लीज बात पूरी कीजिए अपनी। चलिए मैं फिर से एक बार प्रयास करता हूं, मेरे सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है, परंतु चलिए मेडिटेशन करने का असर यही होता है। अगर बैंकॉक जाते हैं तो फिर मेडिटेशन नहीं कर पाते, कुछ और चीजें करते हैं। एनीवे मैं अपनी बात रख लेता हूं। देखिए ऐसा है, इन्होंने कहा कि एमसीसी का वायलेशन है। मैं पूछ अब नहीं रोकेंगे, बैंकॉक कहां से आ गया अनुराग मुस्कान जी, या भद्दी टिप्पणी का मैं विरोध करता हूं। अरे लेकिन आपके मुंह में नहीं जम गया, मैं बोलूं बैंकॉक जाने का क्या मतलब है? एक मिनट, किसके लिए कहा गया बैंकॉक जाना अभद्र कैसे हो गया, मुझे ये समझाइए। बैंकॉक में क्या होता है सर, बैंकॉक जाना अभद्र क्यों हो गया, क्या हुआ है बैंकॉक के लिए, क्या कहा गया बैंकॉक का परिप्रेक्ष्य, बैंकॉक जाएंगे ये बोला गया, इसमें अभद्र क्या हो गया, बताइए ना जरा। बैंकॉक जाने में बीजेपी ने और गोदी मीडिया ने ठान रखा है कि जो मर्जी बोल देंगे। मिर्ची लगी बंदे को बात करने में क्या हो गया, आलोक शर्मा को रोकेंगे आप? नहीं नहीं, आप नहीं, अगर आपको ऐसा ऐसे डिबेट करना है तो आप कर ले रहे हैं आलोक शर्मा जी, मेरी समझ में नहीं आ रहा। बैंकॉक जाना गलत बात है क्या, या राहुल गांधी बैंकॉक गए नहीं है, क्या दिक्कत क्या है? कांग्रेस प्रवक्ता, अरे भाई अब राहुल गांधी का नाम किसने लिया? मैंने लिया। क्या बुराई है बैंकॉक गए नहीं क्या राहुल जी? राहुल जी बैंकॉक नहीं गए क्या? एक मिनट आलोक शर्मा जी से ही बात कर लेते हैं। अरे बताइए राहुल गांधी बैंकॉक नहीं गए क्या, और बैंकॉक जाना गलत है क्या? आपने बैंकॉक पर आपत्ति क्यों की, किस बात पर आपत्ति की? शहजाद पूनावाला ने कहा था कि आप जाए बैंकॉक जाइए, हम मेडिटेशन करेंगे। बैंकॉक पे आप भड़क क्यों गए आलोक शर्मा? सुनिए मेरी बात सुनिए, क्योंकि उन्होंने अनुराग जी अभी आपने नहीं रोका। अनुराग जी बड़े विनम्रता से मैं जी से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे ज्यादा मैंने तो 10 सेकंड बोला है और 3-4 मिनट इंटरप्शन हुआ है। 10 सेकंड में मिर्ची लगा दी बेचारे को अनुराग जी, क्योंकि दर्शकों को तो पता भी नहीं चला होगा कि मैंने शुरुआत में क्या बोला, तो मैं समाप्त करते हुए अपनी बात को स्टार्ट से रखता हूं। देखिए हिंदू विरोध करते करते, राम मंदिर का विरोध करते करते, सनातन का विरोध करते करते, आज एक कोई व्यक्ति तपस्या करना चाहता है कोई सनातनी, तो उसका भी विरोध कर रही है कांग्रेस। इन्होंने कहा एमसीसी का वायलेशन है, आज स्पेसिफिक डिबेट होनी चाहिए कौन से एमसीसी का प्रावधान का वायलेशन है, पहली बात ये बता दे। पर मैं आपको एक प्रावधान का वायलेशन बताता हूं। आपको याद होगा अनुराग जी, 26 तारीख को वायनाड का चुनाव चल रहा था, राहुल जी जिसमें पहले चुनाव लड़े उन्होंने, फिर उसके बाद उन्होंने जाके रायबरेली से नामांकन भरा। 26 तारीख को जब साइलेंस पीरियड या वोटिंग डे अकॉर्डिंग टू अशोक शर्मा होता है, उस दिन पर राहुल गांधी कर्नाटका, बगल के कर्नाटका में कैंपेनिंग कर रहे थे और वहां पर लाइव कवरेज मीडिया दिखा रही थी। क्या मीडिया को रोका जा सकता है क्या? और देखिए आखिरी में मैं एक बात कहूंगा, हमारी आस्था का केंद्र विवेकानंद है, इस देश के भीतर है, हम वहां पर जाकर तपस्या करते हैं। किसी के आस्था का केंद्र बैंकॉक है, बोला गया है बैंकॉक मेडिटेशन करने जाते हैं, अगर उनको वहां बैंकॉक में जाना है मेडिटेशन करने वो जाए, अगर कोई मीडिया कवर करना है उनको उनके बैंकॉक के मेडिटेशन को तो करे, या ऐसी हरकतें होंगी शायद मीडिया पर कवर करने लायक नहीं होंगी तो कैमरा नहीं ले जाते होंगे, मुझे क्या पता जी। पर मैंने नाम किसी का नहीं लिया, ये बुरा क्यों माने बैंकॉक से? इस पर भी सवाल पूछा जाना चाहिए कि बैंकॉक में होता क्या है। ठीक है, हम लोग तो जो करते खुले में करते, कैमरे के सामने करते हैं, ठीक है, ये कौन से कृत्य करते जो बैंकॉक में, जो कैमरे के सामने नहीं आ सकते? ये वो कृत्य करते हैं बैंकॉक में जाकर, जो अगर कैमरे के सामने आ गए तो देश में बवाल मच जाएगा, देश में भूचाल आ जाएगा। जैसा कि राहुल गांधी बोलते हैं कि अगर मैंने पार्लियामेंट में बोलना शुरू कर दिया तो भूकंप आ जाएगा, तब भूकंप आए या फिर ना आए, लेकिन अगर वो कृत्य का वीडियो देश के सामने आ जाए तो सच में भूचाल आ जाएगा, सच में भूकंप मच जाएगा। और आज डिबेट में सिर्फ इतनी सी बात हुई थी, बैंकॉक का नाम ही आया था, इतने में ही कांग्रेस के प्रवक्ताओं को मिर्ची लग गई, और इस तरह की मिर्ची लगी कि उसको संभालना ही मुश्किल पड़ गया, जो कि बताता है कि चुप